बार की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है, क्या लगता है एक सप्ताह के अंदर में क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में? भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ होगा भाई। मुख्यमंत्री जी या किसी भी नेता का अगर भविष्य अगर देखना हो तो आप इतिहास को झांक के देख लीजिए ना। नमस्कार द इंडिया, तो आप देख रहे हैं, आप मेरा नाम उदित तारण है। देखिए बिहार में इफ्तार चल रहा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दल की तरफ से इफ्तार पार्टी रख रही है जिसमें बिहार के लगभग सभी नेता शिरकत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर यानी 10 सर्कुलर आवास पर इफ्तार हुआ जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा जो इफ्तार रखा गया उसमें भी तेजस्वी यादव और साथ में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहुंचे। लेकिन चिराग पासवान जो तेजस्वी यादव के इफ्तार में पहुंचे थे वे जदयू के इफ्तार में नहीं पहुंचे हैं। कारण है कि उन्हें न्योता नहीं मिला है। साथ ही साथ एक सप्ताह के अंदर दो बार मुलाकात हो चुकी है बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान सुनिए जरा। की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है, क्या लगता है एक सप्ताह के अंदर में क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में? भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ होगा भाई। मुख्यमंत्री जी या किसी भी नेता का अगर भविष्य अगर देखना हो तो आप इतिहास को झांक के देख लीजिए ना। अगर वो 2015 में राजद के साथ मिलकर लालू जी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं तो जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन में विरोधाभास दरारें खुलकर स्पष्ट हो रही हैं तो ऐसे में क्यों नहीं वो दोबारा राजद के साथ मिलकर सरकार? आज फिर मुलाकात होनी है नीतीश कुमार से, कुछ बात होगी आपकी? मेरी मेरी क्यों बात है? राजद के इफ्तार पार्टी में दिखी थी एक, आप जाके पैर छूकर भाई देखिए मैंने व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा अलग रखने का प्रयास किया है और वही मेरा हमेशा रहेगा। आज भी जब मुख्यमंत्री जी से अगर मैं रूबरू होता हूँ सामने मुलाकात होती है तो व्यक्तिगत संबंध अलग रहेंगे बट उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया था, करूंगा, करता रहूंगा। लेकिन नीतीश कुमार के इफ्तार में अब नहीं दिखे हैं चिराग, न्योता नहीं दिया गया वहाँ, तो व्यक्तिगत हो गए वो? हाँ अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मुझे जहाँ पे न्योता आया आज मांझी जी के यहाँ है वहाँ, कांग्रेस के यहाँ है वहाँ भी जाऊँगा। तो तेजस्वी यादव के इफ्तार के बाद ही चिराग पासवान ने इस बात को कहा था, उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में जो सरकार है जो गठबंधन है वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, बहुत जल्द नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल सकते हैं। ये तमाम बातें कही गई थी चिराग पासवान की तरफ से। और एक सप्ताह के भीतर जब कल दोबारा मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की तो इस मामले पर चिराग ने फिर उसी बात को कहा है। और जब ये सवाल किया गया कि जदयू की तरफ से आपको न्योता नहीं मिला तो चिराग ने कहा कि ये नीतीश कुमार का व्यक्तिगत मामला है, उनको नहीं इच्छा होगा इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया टॉप के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।